उदयपुर में लूट के इरादे से व्यापारी की हत्या। नाईथाना इलाके में दयाखेड़ा की घटना। कल देर रात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। परिवार जन और ग्रामीण शव के साथ प्रदर्शन कर रहे। पुलिस जुटी मामले की जांच में और लूट के इरादे से व्यापारी की हत्या कर दी गई। बेहद दुखद। कल देर रात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया जिसके बाद परिवार के लोग और ग्रामीण शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि लूट का इरादा था लेकिन लूट के इरादे में व्यापारी की हत्या कर दी गई है। मौत के घाट उतारा गया लेकिन परिवार जन और ग्रामीण एक तरफ दुखी हैं घटना के बाद तो वहीं आक्रोशित भी। आक्रोश फूटा है कि आखिर बदमाश कब पकड़ में होंगे, न्याय कब मिलेगा। मृतक व्यापारी के परिजन और ग्रामीण शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस जुटी है मामले की जांच में। कल देर रात को बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। नाई थाना इलाके में नया खेड़ा में वारदात हुई है। लूट के इरादे से एक व्यापारी को मौत के घाट उतारा गया है। एक तरफ अमन चैन शांति स्थापित करने की कोशिशें तो दूसरी तरफ बदमाशों की बेखौफ होती प्रवृत्ति। इन दोनों के बीच संतुलन करना चुनौतियां भी बनी है क्योंकि बताया गया कि लूट का इरादा था और व्यापारी की हत्या कर दी गई। उदयपुर से रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। रवि, लूट के इरादे से बदमाश और व्यापारी की हत्या कर चले गए, पहले बताइएगा कब ये पूरी घटना हुई, आखिर कैसे व्यापारी की हत्या की गई और फिर परिवार के लोगों की क्या मांग है? उदयपुर का जो नाई थाना क्षेत्र है वहाँ पर नया खेड़ा गांव की घटना है और यहाँ पर एक व्यापारी है पन्नालाल पूर्विया जो यहाँ पर किराने की दुकान चलाते थे और इसी दुकान में शनिवार को रात को जो है कुछ बदमाश लूट के इरादे से घुसे और जब दुकान से सामान लेकर जा रहे थे तो इसी दौरान पन्नालाल जो है उनकी नींद खुल गई और उन्होंने जब शोर मचाया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और मारपीट इतनी बुरी तरीके से की कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जो है जो तमाम जो लोग हैं स्थानीय ग्रामीण हैं और खासकर पूर्विया समाज के जो लोग हैं उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर जो है रोष व्यक्त किया है और शव को रखकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया है और प्रशासन और पुलिस से उनकी यही मांग है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर भी कड़े कदम उठाए जाएं और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसके जो उनको भी एक उचित मुआवजा राशि जो है वो दी जाए। तो ये सभी मांगों को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी है जिसको लेकर अभी जो पुलिस है वो समझाइश की कोशिश कर रही है और ये आश्वस्त कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।